नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले एक पेपर का हाउस बनाया था बच्चों, जिसमें क्या था मैंने आपको वो वीडियो दो बार भेज चुकी हूँ ऑलरेडी, और हमने उसके लिए बैकग्राउंड बना के रखा था पर उसे कलर नहीं किया था। तो आज हम इसे कलर करेंगे। आपके पास जो भी कलर्स है, जैसे मेरे पास छोटे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास, जैसे मेरे पास वो कलर नहीं है या फिर आपके पास, तो आप अपने मन से भी कलर कर सकते हो। सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। जैसे ब्राउन लिया है मैंने सबसे पहले, तो ब्राउन कलर में क्या कर रही हूँ, ग्राउंड जो हमने नीचे ग्राउंड बनाया है ना, उसे कलर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप स्लीपिंग कर रहे हो बच्चों तो पूरा स्लीपिंग कीजिए, और अगर स्टैंडिंग कर रहे हो तो पूरा स्टैंडिंग। मैं क्या कर रही हूँ, स्लीपिंग आड़ा आड़ा कर रही हूँ। अगर आप खड़ा करना स्टार्ट कर रहे हो स्टैंडिंग पोजीशन से, तो आप पूरा स्टैंडिंग कीजिए, ठीक है। मैंने आपको इसे ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करने कहा था, होप है आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जिसके पास स्केच पेन नहीं है वो क्या करना, कलर पूरा होने के बाद आप ब्लैक क्रेयॉन से भी इसे आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ वाइट वाइट नहीं दिखना चाहिए, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसे आप थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे डार्क डार्क कर दीजिए, डॉट्स डाल दीजिए, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड। अब उसके बाद मैं ट्री के लिए कौन सा कलर लोगे, आपके पास लाइट है, लाइट, डार्क, डार्क, आपकी जैसे इच्छा है, क्योंकि ट्री ग्रीन कलर का होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, डार्क ग्रीन से पहले उसको बॉर्डर कर देती हूँ, और फिर लाइट ग्रीन से उसके अंदर शेड डालूँगी। देखिए देखिए, ठीक है, अब मैं लाइट ग्रीन से इसके अंदर कलरिंग कर रही हूँ। ये देखिए ग्रीन हो गया। आप ऐसे हल्के से ऐसे 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 कर सकते हो इसके अंदर। देखिए ये हो गया। अब इसका जो स्टैम्प होता है तना, वो भी ब्राउन ही होता है। अगर आपके पास येलो ऑकर है तो आप येलो ऑकर ग्राउंड में कर दीजिए और इधर ब्राउन कर दीजिए। अगर ब्राउन के दूसरे दूसरे शेड है तो आप उसे भी कर सकते हो। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, पर मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने नीचे ग्राउंड थोड़ा लाइट किया है, अब इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ। देखिए ये हो गया। वैसे ही आप इधर भी ग्रास और फ्लावर वगैरह बनाया है तो इसे भी ग्रीन कलर जैसे आपको देना है वैसे दे सकते हो। कुछ ग्रीन, कुछ लाइट, देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पे इसको फ्लावर के लिए आपको कोई भी कलर लेना है, जैसे मैं रेड ले रही हूँ। और बीच में येलो कर दूंगी फ्लावर के बीच में, ठीक है। अब क्लाउड का है तो क्लाउड भी आप दो इसमें शेड करके कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ट्री में लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन किया, वैसे भी कर सकते हो, या फिर हल्का हल्का, जैसे मैंने पहले लाइट कलर लिया है लाइट ब्लू, अब देखिए मैं हल्का हल्का लाइट ब्लू भर रही हूँ और उसी में थोड़ा सा डार्क टोन का शेड दे रही हूँ। ये देखिए ऐसा, या फिर आप ऐसे ट्री में किया है डार्क से आउटलाइन करके,
अंदर लाइट कलर फील कर सकते हो, ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरा लाइट कलर करके, पूरा लाइट कलर करके इसके अंदर डार्क कलर से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा करना है आप कर सकते हो क्लाउड को, या फिर आप प्लेन भी रख सकते हो, मतलब कुछ ना करते हो सिर्फ वही कलर। अब क्या बच्चों देखिए, एक मैंने छोड़ दिया, अब आपको मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ। बैकग्राउंड आप कोई भी लाइट कलर से कर सकते हो, जैसे मेरे पास है ये तीन कलर है, तीन कलर्स में मैं किसी भी कलर से इसे आउटलाइन कर सकती हूँ, जैसे पिंक से भी कर सकती हूँ, येलो से भी कर सकती हूँ और ऑरेंज से भी कर सकती हूँ। तो आपकी इच्छा जिससे वैसे कीजिए, मैं ऑरेंज से कर दे रही हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से, देखिए ठीक है बच्चों। अब आपको ऐसे पूरा बैकग्राउंड करना है, मैं आपको बताऊंगी बाद में पूरा कंप्लीट करने के बाद। अब देखिए मेरे पास स्केच पेन नहीं था, तो मैं आपको सिर्फ ये ब्लैक क्रेयॉन से आउटलाइन करके बता रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया फ्लावर, और इसे पूरा कंप्लीट करना है, क्लाउड में भी करना है। ऐसे आप पूरा कंप्लीट करके रखना। अभी इसके बाद जो भी पिक्चर आएगी, आपको एक पिक्चर मिल जाएंगी जिसमें यहाँ पे हाउस स्टिक करा हुआ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दो बार हाउस बता चुकी हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।